नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज देखेंगे टॉप 10 एमसीक्यू फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी। एंड देखिए विद्यार्थी मित्रों, इनका जो एप्लीकेशन है वो हर सेट पेट मोस्टली अभी बामू की पेट चल रहे विद्यार्थी मित्रों, तो आज देखेंगे बामू के रिलेटेड 10 एमसीक्यू। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, पहला जो एमसीक्यू वो क्या है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ एन आईपी एड्रेस। तो देखिए ये प्राइमरी पर्पज़ क्या है, टू आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क, टू एनक्रिप्ट डाटा ट्रांसमिशन, टू प्रायोरिटाइज नेटवर्क ट्रैफिक, टू ब्लॉक अनऑथराइज एक्सेस। तो इट इज़ करेक्ट आंसर विद्यार्थी मित्रों, टू आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। उसके बाद देखिए विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट स्वयं प्रभाव ब्रॉडकास्ट कंटेंट इन विच लैंग्वेज। मतलब देखिए स्वयं प्रभा जो है विद्यार्थी मित्रों वो किस लैंग्वेज में कंटेंट है, तो ओनली इंग्लिश, ओनली हिंदी, मल्टीपल लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। इट इज़ करेक्ट आंसर फॉर मल्टीपल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश विद्यार्थी मित्रों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं। देखिए अभी स्वयं का फुल फॉर्म क्या है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, स्टडी ऑफ एक्शन लीग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, स्टूडेंट वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, इसका जो फुल फॉर्म है वो है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट। विच आईआईटीज इंस्टीट्यूट हैज़ एमओयू विद एयरबस इंडिया टू एडवांस टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक एजुकेशन। मतलब कौन सी आईआईटी ने एमओयू किया विद्यार्थी मित्रों एयरबस से, तो देखिए इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक एजुकेशन, तो उसका जो विद्यार्थी मित्रों करेक्ट आंसर है, देखिए अभी आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी गुवाहाटी, तो इट इज़ अ करेक्ट आंसर आईआईटी गुवाहाटी, इट इज़ अ करेक्ट आंसर। विच ऑडियंसेस इज यूज फॉर स्वयं प्रभा, मतलब कौन से ऑडियंस है जो स्वयं प्रभा को यूज़ करते विद्यार्थी मित्रों, फोर्स स्पोर्ट्स एथलेटिक्स योगा काउंसिलर स्टूडेंट एंड प्रोफेसर और फार्मर्स। देखिए विद्यार्थी मित्रों स्पोर्ट्स वाला तो नहीं होगा, योगा भी नहीं होगा, फार्मर्स भी नहीं होगा, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स। उसके बाद देखिए विद्यार्थी मित्रों, वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, अप्रैल 20, अप्रैल 22, अप्रैल 19 और अप्रैल 18। इट इज़ अ करेक्ट आंसर अप्रैल 22 जो है, अप्रैल 22 इट इज़ अ करेक्ट आंसर विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते विद्यार्थी मित्रों, टीचर शुड बी हॉनेस्ट डिग्निटी क्लेवर और ड्यूटीफुल। तो टीचर कैसे होना चाहिए विद्यार्थी मित्रों, तो ड्यूटीफुल होना चाहिए, ड्यूटीफुल इट इज़ अ करेक्ट आंसर। विच कंट्री होस्ट बाय इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मतलब ये है चार कंट्री दिए, इंडिया, फ्रांस, पाकिस्तान, जर्मनी, उसमें कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है किसे, ISA को, ISA मतलब इंडियन सोलर अलायंस को, तो इट इज़ अ करेक्ट आंसर इंडिया विद्यार्थी मित्रों। हाउ मेनी कंट्रीज मेंबर्स आर इन ISA, ISA के कितने मेंबर विद्यार्थी मित्रों, तो देखिए 110, 114, 115, 116, मतलब ये ISA के जो मेंबर विद्यार्थी मित्रों वो ये 114। बाइनरी नंबर इज रिलेटेड टू विच ब्रांच, फिजिक्स, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स। कंप्यूटर में तो 0-1 होता है विद्यार्थी मित्रों, मैथमेटिक्स में बाइनरी नंबर 0 और 1 होता है, फिजिक्स में भी उसका 1 लॉजिक गेट जो होता है विद्यार्थी मित्रों, लॉजिक गेट दैट इज डिपेंड ऑन इट्स बाइनरी नंबर। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, मैंने ये कंसेप्ट पूरे 10 एमसीक्यू लिए, तो आज का वीडियो यही पे था, मतलब 10 एमसीक्यू पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए विद्यार्थी मित्रों, धन्यवाद।